प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ब्रिटेन में हो रही G7 समिट में वर्चुअल हिस्सा लेंगे। आज उनका यहां भाषण भी होना है। 12 और 13 जून को पीएम मोदी के 3 भाषण होने हैं। ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट का हिस्सा होने जा रहे हैं। इससे पहले 2019 में फ्रांस में हुई समिट में पीएम मोदी शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक इस बार G7 में कोरोना वायरस, फ्री ट्रेड और पर्यावरण विस्तार से चर्चा होनी है। ज़्यादा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे दुनिया को कोरोना महामारी से मुक्त करना है और मजबूत वापसी करना है। इस बार G7 समिट ब्रिटेन के कार्निवल में हो रही है। 11 से 13 जून तक चलने वाली इस समिट के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को खास तौर पर न्योता भेजा था। हालांकि कोरोना की वजह से 11 मई को मोदी ने ब्रिटेन न जाने का फैसला लिया था और समिट को वर्चुअली ही संबोधित करने का फैसला किया था। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन बोरिस जॉनसन ने भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में बुलावा भेजा था। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें बुलाया गया है।